ये जाने दुनिया सारी जट्टा ना छोरा। बहुत ज्यादा हो रहा है फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा, मजा बड़ा आ रहा है। और अब निकल रहे हैं अपने रिसॉर्ट की तरफ सिरिस का। तो जी पहुंच गए अपने रिसॉर्ट और प्रोग्राम बना है अब जंगल सफारी करने का, वो भी बाइक पे। पहले पेट पूजा कर लें, लंच करने जा रहे हैं, लंच करके निकलेंगे ऑफ रोडिंग के लिए। वाह, सारा रिकॉर्ड कर रहे हो। दाल बाटी और काजू करी और नान। आइए जी, आइए, वेलकम। तो जी जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने जंगल में, जंगल सफारी बाइक पे। चलो निकलते हैं। तो जी निकल पड़े हैं सफारी के लिए और देखिए क्या गजब का रास्ता है। तो हम चार राइडर्स जा रहे हैं सफारी पे, एक्चुअली चार नहीं पांच। रास्ते देखो भाई, मजेदार। पहाड़ों पे चल रहे हैं भाई, ऊपर जाना है हमें। तो मेरे आगे है मुक्ता, मुक्ता के आगे है हेमंत, हेमंत के आगे है विपुल और शायद विजय भी होना चाहिए। विजय, मुझे लगता है विजय आगे निकल गया। भाई पत्थर गिर रहे हैं क्या ऊपर से? ओए बंदर हैं भाई, बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर। ओए होए नजारे देख लो भाई साहब, गजब। तो जी आपका दिल्ली वाला राइडर करता हुआ व्लॉगिंग सरिस्का की सड़कों से, छोटी छोटी पहाड़ियों पे से, और हेमंत देखिए अपनी फैल्कन पे तिरंगा लहराते हुए। कितना गजब लग रहा है यार, क्या फील है यहाँ का, गजब का फील है, गजब का मज़ा ही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो जी अपनी हो चुकी है ऑफ रोडिंग स्टार्ट। तो थोड़ी आवाज ऐसे आए तो यार एक्सक्यूज कर देना। तो हमने एंटर करा है सिरिस्का के फॉरेस्ट एरिया में, वाइल्ड लाइफ एरिया में। यहाँ पे बाइक की एंट्री के हैं 35 रुपीज पर व्हीकल, आई थिंक टू व्हीलर के हैं, कार के शायद ज्यादा हो सकते हैं। तो बस चल रहे हैं अंदर और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है मंदिर। और ये देखिए KTM 390 एडवेंचर के मजे लेते हुए हमारी बाइक जो है वो कर रही है फिश टेल। तो ये हो रहा है एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग का। आराम से चलो, बाइक को कंजर्व करके भी रखना है अपनी। और लोग देख रहे हैं हमें किस तरीके से, ओ सब कुछ लूज हो गया है, देखिए शीशा भी लूज हो गया है ऑफ रोडिंग में। के लिए तो हम चाबी कैरी कर रहे हैं, कस देंगे। तो यार सिरिस का है और सफारी नहीं करी तो क्या करा। बस ये है कि सफारी हम जीप से करने की जगह कर रहे हैं बाइक पे। डे 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 डे
बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा, फुल मजा एकदम। निकले हैं एडवेंचर पे। ये देखो नजारे जंगल के, जंगल के बीच में से जा रहे हैं बिल्कुल हौले हौले। और ये देखो आप बाइक अपने आप पत्थर जो है बाइक को इधर से उधर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करे जा रहे हैं। बेसिकली फिश टेलिंग हो रही है बाइक की। और ये देखो यार नज़ारे, ओए होए होए होए, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। मिस कर देते अगर आते नहीं ना, अगर आते नहीं तो मिस कर देते इसे। टिकट मैंने बंद कर दिया था। अच्छा फिर मैंने उसको बोला नहीं नहीं आप 5 टिकट काट के रखो, लोग आ रहे हैं बस। तुम टाइम पे पहुंच गए नहीं तो हमारा भी रह जाता। शांति कितनी है यहाँ पे, कहाँ ओ बेटे। बारहसिंगा घूम रहा, जूम करके दिखाना पड़ेगा कैमरा को, देखो ऊपर चढ़ रहा पहाड़ पे, देख रहे हो। भाई बहुत शांति है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे, मतलब गाड़ी और बाइक की आवाज़ के बावजूद मुझे शांति सुनाई दे रही है यहाँ पे, आप भी फील करो। भाई साहब इस बाइक पे भी ऑफ रोडिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, सोचो कैपेबल बाइक पे कितना और ज़्यादा मज़ा आएगा यार। ऑफ रोडिंग इज़ फन, तभी कहते हैं लोग इसकी ऑफ रोडिंग भी एक नशा है। बन जाओ सुपरमैन तुम भी। लंगूर अगेन, बहुत सारे लंगूर हैं यहाँ पे और हम भी लंगूरों की तरह ही जा रहे हैं। हम 5 बाय बाय लंगूर, बाय बाय लंगूर, मोटा लंगूर, बड़ा फैमिली का एडमिन लंगूर, छोटा लंगूर, लंगूरी है ना ये। जो भी है अच्छा है। भाई मैं आपको ना अपना फेस नहीं दिखा सकता, मेरे फेस पे ना सिर्फ स्माइल है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्या मज़े जगह आ गए यार, दिस इज फन। एक बारी का तो ऐसा लग रहा था कि यार राइड करके आए हैं, थक गए हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट यार अगर नहीं आते तो ना सीरियसली कुछ मिस कर देते हम लोग। पाम 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 पाम। देख रहे हो लड़का डांस कर रहा है अपना खजांची। चलो वो BMW लेके आए भाई यहाँ पे, भाई साहब दम है, दम दम है भाई दम, BMW लेके। और ये देखो असली बाइक तो यही है भाई ऐसी जगह के लिए, KTM 390 एडवेंचर इन इट्स हैबिटेट। हमारे सामने ना एक सफारी की जीप चल रही है और हम अपनी बाइक पे सफारी कर रहे हैं। ओनली 35 रुपीज पर व्हीकल, वाओ। हम जा सकते हैं क्या?
ओए होए मजा ही आ गया। कैसा लग रहा है? वाइब्रेशन आ रही है अंदर। देखो जीप का एक रास्ता है जो यहाँ से गया है। देख लो भाई का टशन। तो जी अब हम जा रहे हैं वापस इस जंगल एरिया से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की गाड़ी आई थी, उसने कहा कि अब आप ज़्यादा वेट मत करिए, यहाँ पे शेर चीते वगैरह आ जाते हैं और भी जानवर हैं यहाँ पे। तो फिर उन्होंने जैसा कहा उसी हिसाब से फिर हमने रास्ते से वहीं से ही घुमा लिया। मन तो हमारा आगे जाने का भी था, बट ठीक है, नेचर की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और हम वो कर रहे हैं। तो चलिए पहुँचते हैं वापस रिसॉर्ट और आपको मिलते हैं किसी और एक्टिविटी के साथ। तो भाई आगे देखो हिरन है, बारह सिंगा। भाई निकल जाने देना। ओए विपुल नीचे कर ले कैमरा, शाइनिंग मत दो, शाइनिंग वाली चीजें मत दिखा। लाइट बंद कर लो। चलो खाने में बिजी निकल लो, ऐसी सरका लो धीरे धीरे। भाई साहब कितने पास आ गया था, बारह सिंग आता, एक तरफ के सिंग नहीं थे, ऐसा कर रहा था सांबर है कलर से, और था वो बारह सिंगा। ये है असली एडवेंचर, मजा ही आ गया यार इस ट्रिप पे। तो जी हाइटी के लिए पहुंच गए हैं थेला रिजर्वायर, और यार पीछे नज़ारा देखो क्या गजब है, जो भी लेक है बहुत ही बहुत बहुत सुंदर है। और इधर मेरे पीछे हो रहा है सनसेट, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो दिखाता हूँ। ये देखो पीछे सनसेट हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा, वर्थ है यार यहाँ पे आना। हो सकता है आपको विंड नॉइज़ आ रहा होगा थोड़ा सा, अभी मैं कैमरा कैरी नहीं कर रहा, अपने साथ मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, बट यार बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। ये हमारे खजानची हमारे साथ, और एक करण भाई हमारे साथ, और ये विजय इधर टहलते हुए। तो जी दिन भर घूमने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल, और अब करेंगे डिनर, और डिनर करने के बाद में भी थोड़ा सा बॉनफायर हो जाएगा। आज का डे यहीं पे करते हैं क्लोज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और क्या मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। और आपसे पूछना ही भूल गया आज तो, और जी क्या हाल चाल है, बढ़िया आप लोग? बढ़िया, तो मैं भी बढ़िया। तो करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।